लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं टॉप 5 स्टैटिक एंड डायनेमिक एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट? ऑप्शन ए, राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, राज्य के राज्यपाल, गवर्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर या राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पे सही विकल्प का मिलान करना है ऑप्शन ए। यहाँ पर दिया हुआ है एक तरफ देश और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी हुई है और इनका सही मिलान करना है ऑप्शन ए में। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी, मेडागास्कर की कैपिटल पोर्ट मोर्सबी, ऑप्शन सी कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान। इसमें सही विकल्प का चयन करना है और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, ए और सी। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी सही है, मेडागास्कर की कैपिटल पोर्ट मोर्सबी नहीं बल्कि पोर्ट मोर्सबी पपुआ न्यू गिनिया की है और मेडागास्कर की कैपिटल एंटोनियो एरिबो है और कजाकिस्तान की कैपिटल सही है, यानी ऑप्शन ए और सी सही है ऑप्शन बी। यहाँ पर सही का मिलान करना है दिया गया है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। नंदन कानन चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में चर्चा का विषय रहा? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी उड़ीसा, जो कि नंदन कानन चिड़ियाघर जहाँ पर स्थित है उड़ीसा में, जहाँ पर अभी हाल ही में एक रेडियो टैग्ड इंडियन पेंगुलिन को छोड़ा गया है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, गलत विकल्प को चिन्हित करना है। पहला, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की एक पुस्तक लिखी। जी हाँ, पहला प्रश्न स्टेटमेंट सही है। दूसरा, वह सत्य शोधक समाज की सदस्य भी थी। जी हाँ, यह भी सही है। यहाँ पर गलत का चयन करना है ऑप्शन डी, यहाँ पर कोई गलत नहीं है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही सत्य है। वह ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नाम की एक पुस्तक लिखी थी और सत्य शोधक समाज की सदस्य भी थी। बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। किस देश में सर्वाधिक समय क्षेत्र है या टाइम जोन है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रशिया। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी फ्रांस, जिसके पास 12 टाइम जोन हैं और रसिया के पास भी 11 टाइम जोन है। सबसे ज़्यादा पूछा गया है यहाँ पर किस देश के पास सर्वाधिक समय क्षेत्र है तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन सी फ्रांस का उत्तर है। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑफ आवर लास्ट माइल अप्रोच यूट्यूब हिंदी चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब आवर इनिशिएटिव।